नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार डेली न्यूज। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार देश का राजनीतिक मूड को सबसे पहले भाप लेता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इंडिया टीवी और सीएनएन द्वारा कराए गए संयुक्त रूप से ओपिनियन पोल को समझेंगे, आखिर बिहार की जनता का मूड क्या है। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में। इंडिया टीवी और सीएनएन के अनुसार जो बिहार में इस बार सीटों की जीतने की संभावना है सभी पार्टियों द्वारा, वो कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। बीजेपी को इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल दे रहा है 13 सीट, वहीं आरजेडी को 10 सीट और जेडीयू को 11 सीट। कांग्रेस को वहीं मिल रहे हैं 2 सीट और अन्य को 4 सीट मिल रहे हैं। अब जरा हम वोट शेयरिंग पर भी नज़र डाल लेते हैं। वोट शेयरिंग के अनुसार बीजेपी को 22%, आरजेडी को 25%, जेडीयू को 20% और कांग्रेस को 8%, वहीं अन्य को 25% वोट मिलने की संभावना है। सीटों के मामले बेशक बिहार की जनता ने बीजेपी को ज़्यादा नफा नुकसान में ना रखा हो, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोटों के गिरावट जनता एक संदेश दे रही है बीजेपी और उनके अलायंस के लिए कि संभल जाइए, अब भी समय है। अगर हम परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें या तुलना करें 2014 के लोकसभा चुनाव से, तो बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 30% वोट मिले थे, जो कि 8% घट के 22% के आसपास रह गया है। वहीं जेडीयू को इस चुनाव में फायदा हो रहा है, जेडीयू को 15% से घट कर 20% वोट मिल रहा है। अगर हम कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उन्हें कोई खास नफा नुकसान नहीं है, उनके वोटों में करीब 0.4% की गिरावट है। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। आरजेडी को भी सोचने की जरूरत है कि उनके लगभग वोट प्रतिशत में 5% की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी को सीटों में नहीं कन्वर्ट पा रही है। आखिर क्या वजह है, कहाँ उनका सीटों का तालमेल नहीं बन पा रहा है कांग्रेस की वजह से? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कमजोर पार्टी होते हुए भी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, इस वजह से उनका वोट का परसेंटेज है वो सीट में नहीं तब्दील हो पा रहा है? इस तरह के तमाम प्रश्न छोड़ रहा है ये ओपिनियन पोल। अगर आप अन्य के परसेंटेज ऑफ वोट की बात करेंगे तो आप 25% देख पा रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बता दूं, मेरे ख्याल से इंडिया टीवी ने अन्य में तमाम वो छोटी जो कि अपने आप में अहमियत रखती है वो पार्टी है, जैसे कि लोजपा, आरएलएसपी, जीतन राम मांझी का हम, वही पप्पू यादव का जाप। हम इस विषय पे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार की जनता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न रखते हुए क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय विकास कार्यों के ऊपर वोट करेगी। हाँ, भले ही मोदी फैक्टर जरूर रहेगा, क्योंकि यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। अगर आरजेडी में लगभग वोटों की परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो उसकी वजह तेजस्वी और तेज प्रताप यादव द्वारा किए गए लगातार तबातौर रैली और जनसंपर्क रह सकता है। वही कांग्रेस का कोई खास एक्टिविटी है नहीं बिहार के क्षेत्रों में, इस वजह से उनकी परसेंटेज वोटों में ज़्यादा नफा नुकसान नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना।